हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उपेंद्र सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है गोवा में कॉमन सिविल कोड। आजकल पूरे भारत में कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे यूसीसी कहा जा रहा है, उसको लागू करने की बात चल रही है। तो हम आज ये देखेंगे कि गोवा में जो यूसीसी लागू है, समान नागरिक संहिता, उसका स्वरूप क्या है और उसका इतिहास क्या है। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि भारत में आज की डेट में देखें तो 28 राज्य और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन इन 28 और 8 यानी 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में एकमात्र गोवा ऐसा राज्य है जहां पे समान नागरिक संहिता लागू है। तो इसके लिए हम गोवा को बधाई दे सकते हैं, उसको शाबाशी दे सकते हैं। दूसरी बात है कि जब हम कहते हैं कि गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है तो इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोवा में मैरिज यानी विवाह, डाइवोर्स यानी तलाक, मेंटेनेंस यानी भरण पोषण, इनहेरिटेंस उत्तराधिकार, और एक और इसमें आता है एडॉप्शन, बच्चों को एडॉप्ट करना, गोद लेना। तो विवाह, तलाक, मेंटेनेंस जिसको कहते हैं, भरण पोषण यानी यदि तलाक हो जाए तो भरण पोषण, इनहेरिटेंस उत्तराधिकार और विरासत, आप इसे कह सकते हैं एडाप्टेशन, गोद लेना। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोवा में चाहे आप हिंदू हों, चाहे आप मुसलमान हों, चाहे आप ईसाई हों, चाहे आप पारसी हों, या किसी भी धर्म या मजहब से आप जुड़े हुए हैं, या आप स्त्री हों या पुरुष हों, इससे भी मतलब नहीं है। आप किस कास्ट के हैं, इससे भी मतलब नहीं है। तो गोवा में जाति, धर्म और लिंग से ऊपर उठ करके अब नियम यह है कि विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत और गोद लेने के संबंध में सब पे समान समान नागरिक संहिता, सब पे एक समान कानून लागू होगा, जो कि एक सेकुलर स्टेट की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि हम कोई निर्णय लें तो उसमें धर्म सामने नहीं आना चाहिए। तीसरी बात आपको जानना चाहिए कि गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता है, उसको भारत ने लागू नहीं किया, आजाद भारत ने लागू नहीं किया। उसको आजाद भारत की गोवा की सरकार ने भी लागू नहीं किया है, बल्कि इसको लागू किया था पुर्तगालियों ने, पुर्तगालियों के द्वारा ये लागू हुआ था। और कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 18 नवंबर 1800। ये डेट आप याद रखे, जब गोवा में क्या लागू हुई उसको हम बोलते हैं पुर्तगालीस सिविल कोड, यानी आप कह सकते हैं PCC, ये लागू हुई। लेकिन ये पुर्तगालियों ने अपने यहाँ यानी पुर्तगाल में जब ये बनाया था पुर्तगुइज सिविल कोड, तो वह तारीख थी 1 जुलाई 1867 को PCC उन्होंने यानी पुर्तगुइज सिविल कोड वहाँ घोषित किया था। और 1869 में भारत और जो दूसरे ओवरसीज उनकी उनके उपनिवेश थे उनमें उन्होंने लागू किया। ये तो भारत में पुर्तगालियों द्वारा लागू करने की बात हुई। लेकिन अपने आप में यह जो सिविल कोड था यह 1804 में
जब नेपोलियन आया तो उन्होंने पूरे यूरोप को जीत लिया, अधिकांश यूरोपीय देशों को जीत लिया। तो उसने एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए 1804 में फ्रेंच सिविल कोड लागू किया, जिसे हम नेपोलियन सिविल कोड भी बोलते हैं। तो कहानी क्या बनती है कि नेपोलियन ने जो सिविल कोड डेवलप किया था 1804 में, उसके आधार पे क्या हुआ, 1867 में पुर्तगालियों ने अपना सिविल कोड डेवलप किया और उसे 1869 में भारत में लागू किया। अब आपको यहाँ एक आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए कि हम बात तो कर रहे हैं भारत की, लेकिन हम नाम किसका ले रहे हैं, पुर्तगाल का ले रहे हैं, पुर्तगुइज का ले रहे हैं। तो जैसे फ्रेंच आया ना हमारे यहाँ, आजकल चर्चा चल रही है ना ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मार्फत जैसे अंग्रेज आए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के मार्फत जैसे फ्रेंच आए, डच आए, वैसे ही पुर्तगाली भी हमारे यहाँ आए। और आपने नाम सुना होगा वास्को डी गामा। ये जो वास्को डी गामा था, वह पहला पुर्तगाली व्यक्ति था जो 20 मई 1498 को कहाँ पहुँचा था, भारत के कालीकट जो पश्चिमी छोर पे है, कालीकट ये पहुँचा था और वहाँ से पुर्तगालियों की बस्ती शुरू हुई। इन पुर्तगालियों ने 1510 में क्या किया, गोवा को जीत लिया। पहले गोवा किसके अधीन था, 1510 में गोवा जो बीजापुर के सुल्तान थे उनके अधीन था। 1510 में इन्होंने गोवा को क्या किया, सुल्तान से जीत लिया। और 1500 इस समय अल्बुकर्क करके एक पुर्तगाली था जो यहाँ गवर्नर हुआ करता था, उसने जीता। और नूनो करके जब गवर्नर आया तो 1530 में, वहाँ डिटेल में मत जाइए, कभी मैं पुर्तगालियों का पढ़ाऊँगा आगमन तो उसमें डिटेल में बताऊँगा। 1530 में इन्होंने क्या बनाया, राजधानी। उन्होंने यहाँ जो अपना उपनिवेश स्थापित किया, जिसको पुर्तगाली स्टेट वो बोलते थे, उसकी राजधानी उन्होंने गोवा को बनाया 1530 में। और यहाँ पे उन्होंने अपना सिविल कोड लागू किया 18 नवंबर 1869 को, जिसे आज़ादी के बाद भी जारी रखा गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस कॉमन सिविल कोड में, गोवा में जो लागू है, उसके मूल प्रावधान क्या है, क्योंकि ये यदि हम समझ जाएंगे तो दो बातें हमारे दिमाग में साफ हो जाएगी कि ये जो पूरे भारत में कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश की जा रही, तो एक जो भ्रम है कि यह हमारे हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों या पारसीज के धर्म में हस्तक्षेप करता है, तो ये भ्रम दूर हो जाएगा। हम देखेंगे कि इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, यह हमारे व्यक्तिगत मामलों से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ हम ये भी समझ लेंगे कि यदि गोवा में यूसीसी लागू हो सकती है तो पूरे भारत में भी क्यों नहीं लागू हो सकती, तो किन बिंदुओं को टच किया गया है और उसमें क्या क्या है। आइए हम देखते हैं कि गोवा में जो समान नागरिक संहिता है उसके मूल बिंदु क्या। पहली चीज़ जो कही गई है वह यह कि अनिवार्य पंजीयन होगा, अनिवार्य पंजीकरण होगा, जिसको कहते हैं कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। पहली चीज़ कि गोवा में आप किसी भी धर्म, जाति या मजहब के जुड़े हुए लोग हैं, आप जब मैरिज करते हैं तो आपकी मैरिज कंपल्सरली रजिस्टर्ड होनी चाहिए सिविल अथॉरिटी के सामने। तो वहाँ पे अनिवार्य पंजीकरण है आपके विवाह का। इस अनिवार्य पंजीकरण का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है वह यह कि द्विविवाह जो पहले लागू था भारत में और बहुविवाह यानी बाइगेमी और
पॉलीगैमी। जैसे ही आप सिविल अथॉरिटी के सामने अपनी मैरिज रजिस्टर कराते हैं तो गोवा में क्या होगा कि दूसरा विवाह या बहुविवाह, बहुविवाह का संदर्भ एक्चुअली मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है, जहां उनकी कहा जाता है कि चार शादियों करने की छूट है उनके पर्सनल लॉ के अनुसार। लेकिन गोवा में क्या है, गोवा में सबको रजिस्टर कराना है और रजिस्टर कराते ही आप बाइगैमी और पॉलीगैमी दोनों नहीं कर सकते। यदि आप करते हैं तो यह क्या होगा, यह होगा कानूनी अधिकार। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और जिसकी लॉजिक दी जा रही है पूरे देश में और एक सभ्य समाज में होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो तीसरा काम करेगा वह यह कि जो स्त्री और पुरुष हैं, पति पत्नी, इनको समान अधिकार देगा। किस संदर्भ में, संपत्ति के संदर्भ में। यानी जब आपकी मैरिज हो जाएगी, आप किसी से मैरिज कर लेते हैं, आप पति पत्नी के रिलेशन में आ जाते हैं, तो जो कॉमन प्रॉपर्टी है उस पे दोनों का समान अधिकार होगा, समान ओनरशिप होगी। इसका मतलब ये होगा कि बिना पत्नी की सहमत से पति या बिना पति की सहमत से पत्नी अपनी उस प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि स्पेशली स्त्रियों के हक में ये बहुत बड़ा अधिकार है, इसलिए कि अमूमन हमारी जो सोसाइटी वो क्या है, मेल डोमिनेटेड है, पुरुष का यहाँ वर्चस्व है। पुरुष चाहे पूरी प्रॉपर्टी, में अपने अनेक रिश्तेदारों को जानता हूँ जिन्होंने पूरी जमीन बेच दी, उनके जो बाल बच्चे हैं वे सड़क पे आ गए। तो ये कानून क्या कहता है गोवा का कि पति और पत्नी का जो संपत्ति है उस पे कॉमन हक होगा। चौथी जो बात इसमें कही गई है वह यह कि न केवल पति और पत्नी को समान अधिकार होगा संपत्ति पे, बल्कि उनकी विरासत में जो संपत्ति आएगी उसमें लड़के और लड़कियों यानी बच्चों का, आप कह सकते हैं चिल्ड्रेन का, क्या होगा, इक्वल राइट होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपके पास चार बीघा खेत है, तो ये चार और आपके पास दो लड़के और दो लड़कियां हैं, तो आप ऐसा नहीं कि लड़कियों को कुछ नहीं देंगे या आधा बीघा देंगे, आपको सबको बराबर बराबर हिस्से में इसको देना पड़ेगा। ये चीज़ ये है, तो ये भी एक बहुत प्रोग्रेसिव चीज़ है। दूसरी चीज़ कि यहाँ एक राइडर लगाया गया। राइडर का मतलब ये है कि हो सकता है ना कई बार ज़रूरतें पड़ती हैं और माता पिता घर बनवाना है, पैसा नहीं है तो ज़मीन बेचते हैं, लेकिन यहाँ एक राइडर ये है कि आप 50% से ज़्यादा जो आपके पास विरासत में मिली हुई संपत्ति है 50% से ज़्यादा आप उसको सेल आउट नहीं कर सकते। कहा यह गया है इस नियम में कि कम से कम बच्चों को 50% तो मिलना ही चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप 50% से ज़्यादा इसको बेच नहीं सकते, 50% तो आपको रखना ही पड़ता है। इसलिए जो लोग अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच देते हैं वे अब ऐसा नहीं कर पाएंगे यदि पूरे भारत में भी ये कानून लागू होता है तो। लेकिन इसके दो अपवाद हैं, अपवाद ये है और एक अपवाद हिंदू सोसाइटी के लिए है। यह अपवाद ये है कि यदि किसी पुरुष पति पत्नी के 25 वर्ष की उम्र तक कोई बच्चा निसंतान है वह, तो उसे दूसरी शादी करने का अधिकार है, वह सेकेंड मैरिज कर सकता है। दूसरा, यदि 30 वर्ष की उम्र तक उसे कोई लड़का नहीं होता, यानी लड़की है लेकिन लड़का नहीं है,
तब भी वह सेकेंड मैरिज कर सकता है। और एक अपवाद है क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में, वहाँ पहले पॉइंट में क्या कहा गया, सबको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है, यानी सिविल अथॉरिटी के सामने आपकी शादी होगी। लेकिन यहाँ कहा गया है कि जो कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए लोग हैं, कैथोलिक क्रिश्चियन हैं, वे सरकार से NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के अपनी शादी कहाँ कर सकते हैं, चर्च में कर सकते हैं। तो ये दो अपवाद हैं हिंदू और क्रिश्चियन के संदर्भ में। लेकिन अब पुनः समय बदल चुका है, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार हमको लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी जानी चाहिए, कुछ चीज़ें हटाई जानी चाहिए। जैसे मेरे अनुसार ये इस एक्सेप्शन भी हटाया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ की कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1981 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने एक ऐसा वक्तव्य दिया था, उसमें कहा गया था कि यदि गोवा के लोग सहमत हों तो वहाँ से UCC को हटाया जा सकता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो गोवा मुस्लिम ह्यूमन एसोसिएशन था या मुस्लिम यूथ वेलफेयर एसोसिएशन था, उसने इसका ज़बरदस्त विरोध किया। यद्यपि जो मुस्लिम शरीयत लॉ से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने स्वागत किया, लेकिन युवा लड़के और लड़कियों ने इसका विरोध किया और UCC को हटाया नहीं जा सका। और मेरा ख्याल है कि अब UCC को हटाने की नहीं, बल्कि सबकी सहमति और सबकी राय लेकर के पूरे भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना की जानी चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने मूल संविधान में ही अनुच्छेद 44 में ये अपेक्षा की थी। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि यह ह्यूमन राइट के हिसाब से, स्पेशली वीमेन राइट के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि एक मोटा मोटा आइडिया UCC के बारे में आपको लग गया होगा कि जो आने वाली UCC है उसमें क्या चीज़ें होगी। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।